गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैथल डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे फटाफट, कम टाइम में मैक्सिमम डाटा जो भी है वो कवर कर लें उसके बारे में। तो कैथल डिस्ट्रिक्ट का आपके सामने मैप है, कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट जो टच करते हैं कैथल को, जींद, करनाल और कुरुक्षेत्र। एक स्टेट है वो टच करता है कुरुक्षेत्र को, कौन सा, पंजाब। स्थापना कब हुई कैथल की, 1 नवंबर 1989 में। 1989 में चार डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की गई, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से थे वो, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर और कैथल, ये चार डिस्ट्रिक्ट थी, वो आगे मैं आपको बता दूंगा। मंडल कौन सा, कहाँ से बना कैथल, करनाल मंडल से। और एरिया कितना है, 2317 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं भाई। पॉपुलेशन 10,74,304, जनसंख्या दंतव ये 2011 सेंसेक्स के अकॉर्डिंग है, और जनसंख्या दंतव 464 वर्ग किलोमीटर, लिंग अनुपात 881, लिटरेसी रेट कितना है, 69.15%। कुछ बुक्स में आपको ये ऊपर नीचे भी मिल सकता है। उपमंडल कौन सा है, कैथल और गुहला कलायत। तहसील कौन कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि ये तहसील है या नहीं है कैथल की, तो कैथल, गुहला, कलायत और फतेहपुर और पुंडरी। उप तहसील कौन कौन सी है, राजौंद और धांड, सीवन या दंड भी बोल देते हैं इसको, प्रोनंसिएशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। खंड कौन कौन सा है, गुलाचिका, कैथल, पुंडेरी, कलायत और राजौंद और सीवन। उपनाम कपिल मुनि नगर, क्या है कपिल मुनि नगर, ये डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि कैथल का दूसरा नाम क्या है, उपनाम क्या है, कपिल मुनि नगर और गुरुद्वारों का शहर भी बोला जाता है। पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना युधिष्ठिर ने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान हनुमान का जन्म कहां पे हुआ था, कैथल में। कैथल का प्राचीन नाम कपिल स्थल। और हरियाणा गठन के समय कैथल करनाल जिले की एक तहसील थी बस। लवकुश की नगरी किसको बोला जाता है, कैथल को। नवग्रह कुंड कैथल निर्माता युधिष्ठिर, वेरी इंपॉर्टेंट। विद्यार झील कहां पे है, कैथल में, ये झील तो इंपॉर्टेंट ही है, अलग से एक झील की भी वीडियो बना लेंगे। अंजनी का टीला कैथल में, वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान विष्णु द्वारा स्थापित तीर्थ स्थल कोल, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राचीन शिव वन स्थित है, था, सॉरी है नहीं, था, शिवन के कैथल में। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति कहां पे है, शिवन कैथल में। प्रमुख पर्यटन स्थल कोयल कहां पे है, कैथल में, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट पूछ लेगा कोयल पर्यटन स्थल कहां पे है, कैथल में। नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन करने वाला प्रथम नगर परिषद कैथल। सफेद ईंटों का बना अनूठा प्राचीन शिव मंदिर कहां पे है, कलायत कैथल में। शेख तैयब का गुमंद कैथल में। एक गुमंद और भी था जिसका मैं नाम भूल गया हूं, मैं आपको बता दूंगा आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सिर्फ गुमंद की वीडियो बनाएंगे। और राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय विश्व महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाएगा कहां पे, मुदड़ी कैथल में। दिल्ली का प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान कहाँ की थी, कैथल से। और इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये बेटी थी, कैथल में। रजिया की हत्या कब हुई, 1240 में। हिस्ट्री का ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है, कैथल में, वेरी इंपॉर्टेंट। यस और उर्तुक दर्शनीय स्थल कहाँ पे है, कैथल में। फाउंडिंग मशीन में लगने वाले यंत्रों का निर्माण किया जाता है कैथल में। प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र खोला जाएगा कहाँ पे, खोला गया था कैथल में। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध शहर भिवानी के बाद कौन सा है, कैथल। और क्यों है कैथल वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे। मोहन सिंह मंडार कैथल रिसायत कैथल से थे ये। और रिसायत ने किस मुगल शासक के खिलाफ सर्वाधिक विरोध किया, बाबर। तैमूर सेना ने घग्गर नदी पर किस स्थान पर पुल का निर्माण करवाया था, कैथल में। बाबा लुधियाना नामक तीर्थ स्थल कहाँ पे है, कैथल में, वेरी इंपॉर्टेंट। टोपियो वाला गुरुद्वारा कैथल, इस गुरुद्वारे में क्या होता है, गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों का पाठ एक साथ पढ़ा जाता है। गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में, और गुरु तेज बहादुर से संबंधित है ये। उसके बाद गुरुद्वारा मंजी साहिब कैथल में है। गुरुद्वारों का शहर भी किसको बोला जाता है, कैथल को। वैसे सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ पे है, अम्बाड़ा में। भाई उदय सिंह का किला कैथल में। पीर चेतन शाह की मजार कहाँ पे है, कैथल में। और इंदौर स्टेडियम कहाँ पे है, कैथल में। ये इंपॉर्टेंट है, सारी लाइन देख लो आप।
उसके बाद जो ये मंदिर है सारे केथल के कौन कौन से हैं, श्री ग्रह रुद्री मंदिर केथल में है, बड़ी देवी मंदिर केथल में है, सनातन धर्म मंदिर केथल में है, गीता भवन मंदिर केथल में है, और कुट्टी शिव मंदिर केथल में है, देव का मंदिर केथल में है, वर्ष आश्रम भी केथल में है, डेरा बाबा शीतलपुरी कहाँ पे है केथल में, अम्बेश्वर मंदिर कहाँ पे है केथल में, और नीलम विश्वविद्यालय कहाँ पे है केथल में, फल्गु तीर्थ स्थल कहाँ पे है फरल गांव केथल में, सरस्वती वन्य जीव अभयारण कहाँ कब एस्टेब्लिश किया गया 1988 में, मतलब एस्टेब्लिश तो था ही उसको बनाया गया, पहले से कुरुक्षेत्र में था ये, तो वेरी इंपॉर्टेंट सरस्वती। अब अगर पूछा जाए वन्य जीव अभयारण कहाँ पे है तो केथल में। केथल के मेले कौन से जो इम्पोर्टेंट है, पुंडेरी का मेला पुंडेरी केथल में भरा जाता है, मेला देहाती लुधियाना बाबा का मेला केथल में, और फल्गु मेला जो है वो फरल गांव केथल में भरा जाता है। बाबा मीरा नौ बहार की पीर मजार कहाँ पे है केथल में, वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा कहाँ पे है केथल में। राज्य की प्रथम महिला सांगी कौन थी, सरदारी बेगम कलायत। सरदारी बेगम कहाँ से थी, ये कलायत केथल से। वानरों का शहर बंदरों का शहर किसको बोला जाता है, केथल को। नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी केथल को बोला जाता है, नवग्रह कुंड के कारण, ठीक है। और मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को काशी बोला जाता है। ये भी पूछ लिया जाएगा बड़ी काशी कौन सी है, तो भिवानी, छोटी काशी केथल। 1 नवंबर 1989 को कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट थे वो बने, तो केथल बना, रेवाड़ी बना, पानीपत बना, यमुनानगर बना, और पानीपत दो बार बना, 1 जनवरी 1992 में भी, ठीक है, ये याद रखना। कपिल मुनि की जन्म स्थली कलायत। 1843 में उदय सिंह का राज था यहाँ पे। प्रसिद्ध कलायत व्यक्ति तो मोहन सिंह मंडार केथल से फाइट की थी इसने, किसके साथ में, बाबर के साथ में, लेकिन हार गए थे, लेकिन फिर भी फाइट की। ममता सोदा पर्वतारोही केथल से, वेरी इंपॉर्टेंट। सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र केथल, और अगर ऑप्शन में केथल नहीं है तो आप कुरुक्षेत्र में भी टिक कर सकते हो। कब हुआ ये जैविक आरक्षित क्षेत्र का, कब बना, 1888 में। ओल्ड नेम क्या था, सोनसर। तो ये था केथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। यार इसलिए फटाफट पढ़ा दिया कि 10 मिनट में अगर हम बेसिक जान लेते हैं तो बाकी एक दो बार वीडियो देख के रिविजन हो जाएगा। क्यों एक केथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में यूट्यूब पे जाके एक एक घंटे पढ़े, इससे अच्छा रिविजन मार लेंगे फटाफट सुन के या पढ़ के, जो भी है। बाकी आपको अगर ठीक लगे तो भाई पढ़ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।